अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, यूनिट टू, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर अ राइटिंग लेसन और एक्टिविटी, यानी राइटिंग लेसन की तैयारी कैसे की जाए। तो इसके लर्निंग आउटकम्स में भी यही बताया गया कि कैसे जो है वो लर्नर्स का इंटरेस्ट डेवलप करके और उनको इंगेज करके राइटिंग प्रोसेस करवाया जाए। फिर की स्किल्स नीडेड फॉर टीचर्स टू प्लान एंड सेटअप इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट टेक्स्ट टाइप, और एक्टिविटीज़ जो के प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, वाइल राइटिंग एक्टिविटीज़ और पोस्ट राइटिंग एक्टिविटीज़, ये किस तरह से डेवलप की जाएंगी ये इस यूनिट में बताया जाएगा। की प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि कैसे जो है वो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हमने टॉपिक को लिंक करना है, और फिर क्वेश्चनिंग के साथ मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट के साथ या सिनारियो देकर हमने कैसे उनको उनके इमेजिनेशंस को जो है वो डेवलप करवाना है, और एक्टिविटीज़ को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, फीडबैक देना है, और आपस में जो है स्टूडेंट्स का आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर अ राइटिंग लेसन और एक्टिविटी, यानी कैसे जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे लेसन को। तो उसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि टेलिंग स्टोरीज इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आप उनको पहले जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू है या जो भी है उसमें अगर आप उनको कोई स्टोरी सुनाते हैं या उनको रीड करवाते हैं या वो सुनाते हैं, तो उससे जो है वो उसके बाद आप उसको इंग्लिश पर लेकर आए। विजुअल प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है कि चीज़ें जो आप उनको दिखा सकें, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो बोर्ड पर ड्राइंग कर सकते हैं, आप बुक में से दिखा सकते हैं। फिर है वर्ड गेम्स होती हैं फॉर वोकेबलरी, और कोलैबोरेटरी राइटिंग कैन हेल्प देम, यानी आपस में दो लोग आपस में शेयर करें अपने आइडियाज़, या पूरी क्लास ग्रुप डिस्कशन के तौर पे अपने आइडियाज़ को शेयर करें और उसके बाद राइटिंग टास्क पूरा करें। उसके अलावा क्लास न्यूज़पेपर, यानी क्लास में एक न्यूज़पेपर जो है वो रखा जाए और उससे जो है हेल्प ली जाए। एडवाइस फॉर टीचर्स हाउ टू स्टिमुलेट लर्नर्स इंटरेस्ट एंड इंगेज देम इन द राइटिंग प्रोसेस, इसमें जो ये वीडियो दी हुई है इसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर जो PDF फाइल है उसमें भी दिए हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि इट इज़ बेनिफिशियल टू रिलेट राइटिंग टू पॉपुलर कल्चर एंड लर्नर्स इंटरेस्ट, यानी जिस भी कल्चर में लर्नर्स हों और या लर्नर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो आप राइटिंग को रिलेट करें। फिर राइटिंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू द क्लासरूम विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ रियल लाइफ, रियल लाइफ का से ज़रूर उनको एग्जांपल देनी चाहिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। टीचर शुड इनकरेज पीयर रिव्यू एंड कोलैबोरेशन इन राइटिंग एक्टिविटीज़, पीयर ग्रुप रिव्यू यानी एक दो बच्चे जो हैं वो आपस में शेयर करें अपने काम को और इसी तरह बाकी लोगों के साथ भी शेयर। यहाँ पर टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल दी गई, ग्रेड 3 की टेक्स्ट बुक है, और यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है और साथ में कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, तक और ऊपर जो है वो स्टोरी का एक माइंड मैप भी बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टोरी में इंक्लूड होनी चाहिए, बिगनिंग, मिडल, एंड, करेक्टर्स, प्लेस, टाइम, ये सब कुछ स्टोरी का हिस्सा होते हैं। फिर आगे जो उन्होंने उनको लिंक्स दिए हैं उसके ज़रिए जो है वो बच्चे स्टोरी बनाएंगे, और नीचे फिर उसके बाद ये स्टोरी भी दी। फिर जैसे यूनिट 1 में हमने डिफरेंस पढ़ा था ट्रांजेक्शनल राइटिंग का और क्रिएटिव राइटिंग का, यहाँ पर अब हम इन्होंने आपको बताया है कि जब हम राइटिंग करवाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रांजिशनल राइटिंग में क्या होगा और क्रिएटिव राइटिंग में क्या होगा, और साथ ही की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं ट्रांजिशनल के लिहाज से और क्रिएटिव के लिहाज से। ये एक लेसन प्लान दिया हुआ है जो कि ट्रांजिशनल राइटिंग के बारे में है कि आपने एक इनविटेशन लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को एक बर्थडे पार्टी के लिए, तो ये पूरा का पूरा लेसन प्लान हुआ हुआ है। राइटिंग मॉडल्स एंड फ्रेम्स, तरह की आउटलाइन होती है, जैसे स्टोरी के ऊपर आउटलाइन देते हैं ना, तो
उसको देख कर फिर हमने स्टेप वाइज स्टोरी बनानी होती है। इसी तरह जब भी हम और भी टाइप का अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर हमें कोई आउटलाइन मिल जाए कि ये गाइड मिल जाए कि कुछ स्टेप वाइज जो है वो प्रोसेस मिल जाएगा, तो उसकी मदद से जब स्टूडेंट्स लिखेंगे तो बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा राइटिंग की और भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे नेरेटिव राइटिंग या नेरेटिव टेक्स्ट, परसुएसिव टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट एंड आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। तो नरेटिव में होता है कि जिसमें कोई चीज़ की नरेशन बताई गई हो, जैसे स्टोरीज वगैरह होती हैं। परसुएटिव टेक्स्ट जो है वो एक तरह का जिसमें आप किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं या कन्विंस कर रहे होते हैं, जैसे कोई पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जब किसी चीज़ को हमने डिटेल से एक्सप्लेन करना हो, उसकी एक ईच एंड एवरी जो है वो हमने पॉइंट्स बताने हो, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। फिर है एक्सप्लेनेटरी, डिज़ाइन टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट, जिसमें आप जो है वो अपने ज़ाती राय के बिना जो है वो किसी चीज़ के बारे में रिव्यू देते हैं। और आर्गुमेंटेटिव जो है उसमें आप किसी किस्म का ऑर्ग्यू होता है या कोई व्यू पॉइंट होता है स्पेसिफिक, जिसके लिए आप कुछ एविडेंस या रीजनिंग इस्तेमाल कर। एसेंशियल स्किल्स फॉर ईच टेक्स्ट टाइप, कौन सी स्किल्स हो सकती हैं, वो आपकी ग्रामर आ जाएगी उसमें, पंचुएशन, वर्ब, टेंस, वोकेबलरी, कोहेरेंस। यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स की डिटेल भी दी हुई है। फिर इन स्किल्स के अंडर कौन कौन सी स्किल्स आ जाती हैं, यानी सब स्किल्स जो हैं वो इस पेज पर दी हुई है। देन स्टेजेस ऑफ राइटिंग में प्री राइटिंग स्टेज, प्री राइटिंग स्टेज में जो है वो आप पहले उनको अट्रैक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या इंगेज करते हैं, और वो आप पिक्चर्स यूज़ करें उसके लिए, साउंड्स या ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग जो है वो आप यूज़ करें जिससे स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट आपकी तरफ डेवलप हो और उनकी इमेजिनेशंस जो है वो एक्टिवेट हो। उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशंस करवाएं, ब्रेनस्टॉर्म करवाएं या क्वेश्चनिंग करें, ताकि वो जो आइडियाज़ उनके जहन में आए हैं वो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें, और स्टार्टिंग में जो है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में, उसके बाद उनको इंग्लिश की तरफ। डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ टू डेवलप लर्नर्स कॉन्फिडेंस, ओवर एम्फेसिस ना करें ग्रामर और स्पेलिंग में, ताकि बच्चों का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इस बात से लो ना हो कि उनकी मिस्टेक्स होंगी। फिर कहा गया है कि रेड पेन से चेकिंग मत करें उनकी कॉपीज़, तो इससे डिस्करेज वो होते हैं। नंबर 3 पर है कि उनको जो जिस टॉपिक पे आप राइट करवाना चाह रहे हो उनको चॉइस भी दें उसके लिए, कि वो खुद से चूज़ करें कि वो किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, ताकि उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील हो। देन कंट्रोल्ड एंड फ्री प्रैक्टिस टास्क, कंट्रोल प्रैक्टिस ऐसे होगी कि जैसे वो टू द पॉइंट जो है वो चलेंगे, और उसमें फोकस किस चीज़ पर होगा, उनके स्पेलिंग्स पे भी होगा और उनके ग्रामर पे भी होगा, एक्यूरेसी पे भी होगा। जबकि फ्री राइटिंग में जो है वो अपने ओन आइडियाज़ के साथ कुछ भी लिख सकते हैं।